साथियों आज हम लोग वर्धा आए हुए हैं, जहां हम अजय पाली और बाबा भाई से मिलने आए हैं। अजय पाली के बारे में पहले मैं बता दूं कि ये पहले भी विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो चुके हैं प्रत्याशी के तौर पर कवर्धा से। इस बार लोकसभा चुनाव में वे खड़े हुए हैं प्रत्याशी के रूप में। आपको बता दें कि पहले भी यहाँ वे कई बार चुनाव में खड़े हो चुके हैं, इस बार भी वो खड़े हैं और उनके सामने जो दिग्गज उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल जी हैं और बीजेपी से सांसद संतोष पांडे जी हैं। अजय पाली जी, कि भविष्य में क्या करना चाहते जनता के लिए? भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता हूँ भैया, बहुत कुछ। बताइए। जिन कांग्रेस भाजपा नहीं करे वो काम ना करना चाहता ना। देखो ये मन ना तो बेरोजगारी की बात करे, ना तो महंगाई की बात करे, है ना। 2 करोड़ नौजवान मल्ला नौकरी दूंगी से। अब आज के साल हो गए, 10 साल हो गए। देखो केंद्र में बैठे मोदी सरकार है, बोला केवल लेके नारा दिखते, अब की बार 400 पार। वो 400 है, 4 में अटक हिम्मत रखते भैया। इधर ही कहा पर बेरोजगारी की बात कर भी नहीं करे ना, महंगाई की बात कर भी नहीं करे। आप क्या बात करना चाहते हैं उसके? मैं तो युवा युवती जिन पढ़े लिखे नौजवान है सबका बढ़िया रोजगार मिला किसको, और एक अच्छा शासन होना चाहिए बढ़िया। बस कांग्रेस भाजपा हटाओ और हिंदुस्तान को बचाओ, खोखला कर दे दीमक के तरह चाड़ दीस पूरा हिंदुस्तान ला। क्या करें बताओ मोला, कुछ नहीं कर पाई, न कर पाए, केवल अपने अपने बढ़ ये मन परेवा जाना हो जिन अपने बार देखते, कांग्रेस हो चाहे भाजपा। तो आप एक ही सीट में खड़े होकर क्या कर लेंगे भाई? हमारे कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, निर्दलीय रह रहे हैं। हम लोग एक साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर ना हम लोग देखो सबसे पहले काम तो ये करेंगे, रेल लाने का सुविधा करेंगे कवर्धा में, कवर्धा जिला में। सब पुराना सपना है मेरा रेल लाने का, वो सपना पहले साकार होगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार युवा को बढ़िया रोजगार मिलेगा और माता और बहनों को 1,20,000 रुपये मिलेगा सालाना में, महिलाओं को। हाँ महिलाओं को 1,20,000 रुपया और पॉकेट में एम्बुलेंस आएगी एयरलाइंस वाला। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए बढ़िया रोजगार रहेगा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी एक परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी चाहे कोई भी पोस्ट में हो। पेट्रोल के रेट खाद तेल को समय 680 रुपये रहा है, आवाज करते 1,700-1,800 रुपये हुआ तेल की रेट है ना। अब इसमें लकड़ी खो गए भैया, 600 रुपये क्विंटल, 600 रुपये क्विंटल है जलाऊ लकड़ी है। तो आदमी कमाही का खाही का बचाही का बता। राज्य की पूर्व सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? पूर्व सरकार के जिन कार्यकाल भी है सही से तो बुरा भी नहीं रही से, उधर में महंगाई कम रही ना, जिन भी महंगाई बढ़े भाजपा शासन काल में ही बढ़े है। और भाजपा ला महंगाई की बात कर भी नहीं करे, केवल एक नारा लिखा है हो, चाहे वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, अब की बार 400 पार, अब की बार 4 में अटका दिया जय पाली है, धोखा मत रहा है हिंदुस्तान में पूरा। ये वादा करता है जय पाली, चैलेंज करता मैं, अब कर रहे सब तो राके कल अमित शाह जी है खैरागढ़ में, अब आ जाइए 19 तारीख के राजनांदगांव, प्रधानमंत्री मनमोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पूरा हिंदुस्तान से जड़ समेत खत्म हो जाए तेरी भाजपा है और कांग्रेस है, दोनों पार्टी एक साथ। हाँ दोनों पार्टी एक साथ। कौन सी पार्टी आएगी फिर? देखो निर्दलीय मन क्या ही हमारे मन के, जहाँ जहाँ हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जीत क्या वो। और आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो बहुत विचारधारा के लिए अच्छा का बोला फंसा गए, वो तो भविष्य में प्रधानमंत्री बनतीस और एक अच्छा रोजगार देतीस लोगन मल्ला और महंगाई भी कम करतीस, वो जबरदस्ती वाला गेहूँ में कीड़ा पीस दी, इसी गेहूँ में कीड़ा पीसाते उसने पीस दी जबरदस्ती, आज बढ़त नहीं देखी ना वाला केजरीवाल के छवि खराब करे जबरदस्ती। छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या करेंगे आप? छत्तीसगढ़ वाले मन के ही हक के लड़ाई लड़ा था मैं, किसान मजदूर के बात करते वही छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में राज करते, केवल कांग्रेस भाजपा है छलावा करते है ना, छलावा सुझाव कुछ नहीं खैर मेरा। अब लोग लुभाना वादा भी करा था, 10 साल प्रधानमंत्री रही से नरेंद्र मोदी जी है और 5-15 साल तो रही से राज्य में रमन सिंह की सरकार, क्या कही आज देखा चुनाव जीते के बाद रमन सिंह कवर्धा जिला नहीं आए एक भी बार आभार व्यक्त करे, जबकि पर गृह निवास है तो कैसे मैं वोट दी वाला बताओ, कौन से हिसाब से वोट मांगाते भारतीय जनता पार्टी वाले है, तो उखाड़ फेंका पूरा हिंदुस्तान से जड़ समेत कांग्रेस भाजपा साथ है और निर्दलीय मन के धाक है।
साथियों, ये हमारे बीच में अजय पाली उर्फ बाबा भाई थे, इनका अंदाज ही निराला है। आप समोसा बेचते हैं, आपका शुक्रिया, धन्यवाद।